शुक्र बरकरार रहेगा, हमेशा भूल कर भी गिरा मत करना, जिंदगी में जो हो रहा है सही हो रहा है। मट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। तरक्की दिल उसी को देती है जिसके लिए जान दे सकती हो। मोहब्बत दूसरी नहीं होती, शख्स दूसरा होता है, मोहब्बत का कुछ नहीं बिगड़ता। हम ऐसे माशरे का हिस्सा हैं जहाँ मारीडी वाले की बकवास भी गौर से सुनी जाती है। आज के दौर का सबसे मजबूत तरीन रिश्ता अंगूठे और टच स्क्रीन का है। कायनात का सबसे खूबसूरत रिश्ता जो इंसान अपनी मर्जी से खुद चुनता है, वो मियां बीवी का रिश्ता है। ऐसे लोगों को अपनी तजीहात में अभी शामिल ना कीजिए जो आपको तमयसर हो, जब उन्हें कोई और मयसर ना हो। आजकल लोग खालिश होना पसंद नहीं करते, लेकिन तलाश हमेशा मुखलिस लोगों की करते हैं। अगर कोई आपा मरता है तो फिर उसे जिंदा रखने की कोशिश करें। लोग चाहते हैं कि हम उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरें, मगर उनसे कोई उम्मीद ना रखें। जबकि रिश्ते बनाने वाले सिर्फ जिस्म फतह कर सकते हैं, रूहों पर उनका इख्तियार नहीं होता, क्योंकि रूहें आज़ाद होती हैं। इस मदिया औरत को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता हो, उनमें एक खासियत होती है कि वो दिल के बहुत साफ होते हैं। बेसकूनी की एक वजह यह भी है कि इंसान अपनी परेशानियों का जिक्र इन लोगों से करता है जो अक्सर से खारी होते हैं। हजार फासलों के बावजूद किसी के साथ गुजारे खूबसूरत लम्हों को याद करके मुस्कुरा देना भी मोहब्बत है। जिसम और किताब की खुशबू का नशा तकरीबन एक ही जैसा है, जिससे इन दोनों में किसी एक की भी लत लग जाए तो उसके बिस्तर पर फिर अक्सर वही मिलता है, क्योंकि उनके बिना फिर सुकून और नींद का कोई वजूद नहीं। आजकल एक हकीकत यह भी है कि हालात बुरे हों और जेब खाली हो तो महबूब के छोड़ जाने में वक़्त नहीं लगता। कोई भी रिश्ता टूटने का आखिरी मरहला उकताहट है, जब उकताहट रिश्ते के दरमियान पंजे गाड़ दे, तब तलुक पे फातिहा पढ़ दें। इश्क में मुश्किल एक ही काम है और वो है यकीन दिलाना, वो भी इस दौर में जहाँ टीवी ड्रामों ने हकीकी जिंदगी को तबाह किया हुआ है। असल जंग लोगों से नहीं होती, बल्कि अपने ही जज्बात और एहसास से होती है। इस जंग को जीत गए तो हर जंग तुम्हारे नाम। किसी बेकदरे शख्स से दहा की बेकदरी पाकर भी इस शख्स को बुरा नहीं मान सकते तो आपको लाज की ज़रूरत है। मोहब्बत में शिरक की कई किस्में हैं। एक वक्त में आप दो लोगों से मोहब्बत नहीं कर सकते, मसलन महबूब से भी और खुद से भी। जो लोग वक्ती तौर पर मोहब्बत का डोंग रचाते हैं, वो दूसरे इंसान को खोखला कर देते हैं, नफसियाती मरीज बना देते हैं। जिस्मानी तशद्दुद तो नहीं करते, मगर ज़हनी तौर पर मफलूज कर देते हैं। लोग कहते हैं कि एक मोहब्बत के बाद भी दूसरी मोहब्बत हो जाती है, और मेरा दिल कहता है कि मैं इनको बताऊं कि ऐसा नहीं होता। हम पहले शख्स की परछाइयां दूसरे में ढूंढते रहते हैं। कोई भी इंसान इस वक्त तक नहीं मरता जब तक उसे याद करने वाला कोई
ایک شخص بھی دنیا میں موجود رہتا ہے. آج کا مرد جب کسی عورت کو شادی کا لالچ دیتا ہے تو عورت اسے سچا پیار سمجھ کر اس مرد کے ساتھ سونے تک کو تیار ہو جاتی ہے, اور یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ حوث اور محبت میں فرق نہیں کر پاتی.